बहुत स्वागत है आपका महाराज जी जी न्यूज पर। अलावा इसके हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य के बी शास्त्री और मेरे सहयोगी अवधेश जन्मस्थली से मौजूद हैं हमारे साथ। सबका हम रुख करेंगे, सबसे पहले अवधेश के पास लिए चलते हैं आपको। अवधेश, बहुत किस्मत से ये मौका मिलता है वृंदावन जाने का जन्माष्टमी के मौके पर, आप भी उन खुश नसीबों में से एक हैं, आपको ये अवसर प्राप्त हुआ। वहां की क्या खास तस्वीर दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, और आप सही कह रही हैं कि इस मौके पर अगर यहाँ पर आने का मौका मिले तो वाकई किस्मत की बात होती है। और उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं वो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये तस्वीर जन्मभूमि मंदिर की, ये मुख्य द्वार है। और उसके बाद अगर आप दाहिने तरफ देखेंगे, जहाँ तक जाएगी केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु आएंगे, मतलब सुबह 5 बजे वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। देश भर से श्रद्धालु आए हैं, पूरी दुनिया भर से श्रद्धालु आए हैं, और लग रहा था ऐसा कि दोपहर के बाद भीड़ बढ़ेगी, लेकिन आप देखिए कि सड़कों पर ही लोग सो गए थे आधी रात से आकर। तो ये श्रद्धालुओं का आस्था और विश्वास है। और चाहे हम मथुरा की बात करें, चाहे वृंदावन की बात करें, जहाँ पर देवकी नंदन महाराज जी हमारे साथ बैठे हैं, वृंदावन से लेकर मथुरा तक सड़कें खचाखच भरी हुई हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितने ज्यादा श्रद्धालु खड़े हैं और लग रहे हैं, और सभी को इंतजार है कि यहाँ पर कृष्ण के दर्शन हो। खासतौर पर रात को 12 बजे जब कृष्ण का जन्म होगा, उसके बाद की जो तस्वीरें होंगी वो अद्भुत होगी। लेकिन आप इन तस्वीरों से महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके का भक्ति का रोमांच इस वक्त यहाँ की कड़कड़ में रमा हुआ है। बिल्कुल, और वो उत्साह और वो जोश देखते ही बन भी रहा है। अब देश आपके पीछे जो लोग हैं, आप बने रहिए, आपका रुख मैं करूंगी। फिलहाल हम रुख करेंगे देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं और बधाई। क्या कहना चाहेंगे, पावन पर्व है, किस तरह से मनाएं? और सबसे अहम सवाल इस बार ये उठ रहा है, चूंकि 2 तिथियां पड़ रही हैं, कई जगहों पर कल मनाई जा चुकी है जन्माष्टमी, कुछ जगहों पर आज मनाई जा रही है, तो लोगों के मन में जो शंका है कैसे दूर हो? सर्वप्रथम तो आपके जी न्यूज के जितने भी व्यूवर्स हैं, उन सबको भी और आपको भी और पूरे जी मीडिया को भी मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया है कि 2 जन्माष्टमी इस बार की स्थिति पैदा हुई है कि अष्टमी जो कल थी और जो रोहिणी नक्षत्र है वो आज है, और जिस विशेष नक्षत्र में परमात्मा का प्राकट्य हुआ था सर्वेश्वर श्री कृष्ण का जी, वो नक्षत्र आज है, मतलब 24 तारीख को है। और आप राइट टाइम पे राइट समय पे आप जो है यहाँ से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो, पूरे देश को एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं जी। और रही बात भगवान के उत्सव की, तो भगवान का उत्सव तो नित्य होता है, एवरीडे होता है, परंतु अष्टमी होने के नाते कल कई जगहों पर जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया गया है। और विशेष तौर पर जो रोहिणी नक्षत्र है, जिस नक्षत्र की वजह से ये विशेष समय हो जाता है और जिस शुभ मुहूर्त को लेकर भगवान प्रकट हुए थे, वो रोहिणी नक्षत्र आज है, तो आज ही अधिकांश पूरे देश में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। और जो वैष्णव समाज है वो आज ही अधिकांश जन्मभूमि पे, मथुरा में जहाँ जन्म हुआ था ठाकुर जी का, और आज जहाँ पे उस समय जन्म हुआ था वही प्राकट्य महोत्सव मथुरा जन्मभूमि पर भी आज ही मनाया जा रहा है। और जब मथुरा में आज मनाया जा रहा है जहाँ पर ठाकुर जी प्रकट हुए थे, तो हर जगह आज ही मनाना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है कि जो शंका हमारे दर्शकों के मन में भी होगी वो देवकी नंदन ठाकुर ने दूर कर दी होगी। बने रहिए आप महाराज जी, आपका मैं रुख करूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान आचार्य के बी शास्त्री भी जुड़े हैं, बहुत स्वागत सर आपका। आज क्या ऐसा भी होता है, वैसे तो रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है जन्माष्टमी के दिन, लेकिन क्या जन्माष्टमी के दिन भी कोई शुभ मुहूर्त रहता है पूजा अर्चना करने का? देखिए, जन्म और मृत्यु का समय तिथि से ही मनाना चाहिए, तारीख से नहीं मनाना चाहिए। और उदय में जो जन्म का तारीख, आज अष्टमी है, उदय में है, कल उदय में नहीं थी, कल रोहिणी नक्षत्र भी नहीं था, कृतिका नक्षत्र था 3 बजे तक, प्रातः काल तक। तो इसलिए आज जो हमारे देवकी नंदन जी, जो हमारे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और हमारे मथुरा में जहां जन्म हुआ था वहां आज मनाया जा रहा है, तो कल नहीं मनाना चाहिए था, ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए था, सबसे पहली बात यह है। परंतु उत्सव की बात है तो जन्मोत्सव तो हमारे यहां पर महीनों तक मना है,
27 दिन तक जब जन्म हुआ था तो 27 दिन तक नक्षत्र जब तक द्वारा नहीं आया तब तक जो है जन्मोत्सव मनाया गया था वो द्वापर में। तो भगवान श्री त्रिलोकीनाथ हैं जो एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान का ऐश्वर्यस समग्रस्य धर्मस्य शास्त्रिया ज्ञान वैराग्य उससे सड़नाम भगेती। तो भगवान का यदि जो है दो दिन मनाया तीन दिन मनाया कल नंदोत्सव मनाया जाएगा जी। यहाँ 23 सेक्टर में रोहिणी में बहुत बड़ा विशाल जो है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें अनेक संत ब्राह्मण जो है आकर के आशीर्वाद देंगे। आप भी सब जो है जो भी सुन रहे हैं जी आपके जी मीडिया वाले तो सबको जो सबको श्रोताओं को दर्शनार्थियों को देखने वालों को सबको निमंत्रण है, बड़ा विशाल प्रोग्राम है तो आप सब आइएगा। परंतु इसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं है, इसमें ये है कि भगवान का जन्मदिन जैसे मनाते हैं उसी प्रकार से हमें अपने बच्चों का भी जन्मदिन मनाना चाहिए, तारीख से नहीं मनाना चाहिए हाँ। क्योंकि संकल्प जो बोला जाता है वो तिथि वार नक्षत्र से बोला जाता है ना कि तारीख से बोला जाता है, और उसका लगता भी नहीं है क्योंकि जब तक संकल्प में मजबूती नहीं होगी तब तक आपको फल की प्राप्ति में न्यूनता आ जाएगी। इसलिए संकल्प में हम तिथि बोलते हैं ना कि तारीख, तो तारीख के अनुसार न चल करके हमें जन्म तिथि जो है जन्मदिन उसकी तिथि के अनुसार मनाना चाहिए ना कि तारीख के अनुसार। आज सुबह तक जो है जन्माष्टमी अष्टमी है, इसके बाद में रोहिणी नक्षत्र है, तो जो सूर्य से हमारी गणना होती है सूर्य उदय होते ही जो है सारे देखो प्रकृति भी जाग जाती है, पर्यावरण भी जागता है और हमारी ब्रह्म मुहूर्त भी जो है सूर्य के उष्णोदय से शुरुआत होती है। तो जो भी हमारा ज्योतिष शास्त्र है जो वेद का नेत्र है वो जो है सूर्य से गणना की जाती है, जन्मपत्री भी हमारी सूर्य से बनाई जाती है, लग्न भी जो है सूर्य उदय से देखी जाती है। तो ऐसे कैसे जो है मनाया जा सकता है, परंतु कोई बात नहीं, उत्सव तो नित्य उत्सव नित्य सौख्यो नित्य सी नित्य मंगल हा, कभी भी उत्सव मनाओ। जैसे हमारे देवकी नंदन जी उस समय पे अवतार लिए थे, हमारे देवकी नंदन जी जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कितना जो है विश्व में धूम मचा रखी है, तो अच्छी बात है और खूब उत्सव मनाओ, उत्साह जब हो तब उत्सव मनाओ। चलिए बहुत खास बात आपने यहाँ पर बताई आचार्य जी। अब देश का हम रुख करेंगे, जन्मस्थली से हमारे साथ मौजूद हैं। अब देश आपके आसपास की भीड़ हमने देख ली, अंदर मंदिर में क्या स्थिति है, वहां की क्या तस्वीर है, क्योंकि बड़ी तादाद रहती है आज के दिन, अलग अलग देश के कोनों से भक्त और श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनको किस तरह से व्यवस्थित प्रशासन की ओर से किया जाएगा? प्रशासनिक व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। अगर हम बात करें जन्मभूमि मंदिर के लगभग दो तीन किलोमीटर पहले से बैरिकेटिंग हो गई है, चेकिंग हो रही है जगह जगह पर, भीड़ इतनी ज्यादा है कि एकदम से यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन सीधे कुछ लोगों से बात कराते हैं। ये बताइए कि माखन मिश्री का भोग लिया है आपने, कहाँ से आए? मैं आया हूँ मैनपुरी से। अच्छा, हर साल आते हैं? हर साल आते हैं जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी तो कहीं भी मना सकते हैं, फिर यहीं पर यहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यहाँ जो आनंद आता है वो घर में आनंद नहीं आता, किसी भी मंदिर पर आनंद नहीं आता, जो यहाँ आनंद मिलता है। आप कहाँ से आए? हम राजस्थान से नागौर जिले से आए हैं। अच्छा। और फर्स्ट बार आए मथुरा कृष्ण भूमि। तो यहाँ की जन्माष्टमी के बारे में सुन के आए या फिर कुछ सोचा था, क्या कैसा लग रहा है यहाँ? सोच के भी और सुन के भी। क्या सुना था? कि बहुत बढ़िया मनाई जाती है और श्री कृष्ण का जन्म हुआ था इसलिए यहाँ आए। कहाँ से आए? प्रयागराज से सर। हम बहुत अच्छा लग रहा है, जन्माष्टमी है आज और हम लोग मथुरा में पहली बार आए हैं, फर्स्ट चांस है। बहुत अच्छा, लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छा वहाँ होता है, इसलिए हम लोग चले आए हैं और बहुत अच्छी बधाई हो जन्माष्टमी की। राधे राधे, जय हिंद। जय भारत। आप कहाँ से हैं? हम नागौर जिले के राजस्थान से। तो यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी लग रही हैं? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया लग रहा है। योगी की राज में सब मौज है। ठीक है, देखिए ये अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पहुंचे हैं और राधे राधे की आप बात कर लीजिए, बाके बिहारी के जयकारे लग रहे हैं, तो कुल मिलाकर तस्वीरें बहुत भव्य विहंगम है। और सबसे बड़ी बात ये कि रात को 12 बजे पूजा होनी है, जन्मोत्सव असल में जो होगा वो जन्म के बाद होगा, लेकिन अभी से ही बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच गई है और यहाँ पर हर कोई कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ नजर आ रहा है और हर जगह आपको बाके बिहारी के जयकारे लगेंगे, भगवान कृष्ण के जयकारे लगते हुए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर माहौल पूरी तरीके से भक्तिमय है और अगर हम मंदिर की बात करें, यहाँ की प्रबंधन की बात करें, तैयारियां बहुत भव्य हैं और कोशिश की गई है कि बीते बार में जैसा आयोजन हुआ है इस बार कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाए। बिल्कुल, बाके बिहारी देखिए हर और गुंज बस यही है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कन्हैया लाल की। हमारे साथ देवकी नंदन ठाकुर भी जुड़े हुए हैं।
महाराज जी, कहा जाता है कि प्रेम की, प्यार की एक भाषा होती है और वो भाषा है भगवान श्री कृष्ण की। देवकी नंदन ठाकुर तो जाने ही जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को लोगों के बीच फैलाने के लिए। एक भजन आपकी ओर से अगर गुनगुना दिया जाए हमारे दर्शकों के लिए महाराज जी, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे भजन कीर्तन गाते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। हम पूरे साल आपको डूबा हुआ देखते हैं, आज जन्माष्टमी के मौके पर भी कुछ खास हो जाए। देखिए, मैं बैठा हूँ प्रिया कांत जी के मंदिर में, और प्रिया कांत जी के मंदिर में मैं अकेला नहीं बैठा हूँ। जैसे आप दिखा रहे हैं कि मथुरा में काफी भीड़ है, वैसे ही वृंदावन में और प्रिया कांत जी के मंदिर में भी काफी भीड़ है। अच्छा, अभी सुबह सुबह जो मैं आपका कार्यक्रम कर रहा हूँ प्रिया कांत जी के मंदिर में, किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मंदिर में आ गया हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी जिन्होंने देखा वो मेरे साथ मंदिर में बैठ गए आके। और देखिए, यहाँ पर भी उत्साह कम नहीं है। आपने कहा मुझे भजन गाने के लिए, राइट जी। मैं एक भजन की कड़ी गाऊंगा, तो मेरे साथ में यहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं, यहाँ के अपने कैमरामैन भैया को भी कहूंगा कि वो दिखाएं, यहाँ भी उत्साह कम नहीं है। रात्रि के 12 बजे यहाँ पर उत्सव होगा और 9:30 बजे से प्रिया कांत जी के मंदिर में उत्सव शुरू हो जाएगा। हजारों की तादाद में लोग यहाँ होंगे। एक बार आप सब जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ा। तो ये देखिए, यहाँ पर भी उत्साह कम नहीं है। पूरे ब्रज में, गली गली में, मोहल्ले में, हर जगह पर वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पे राधे राधे होए। मैं आपको एक भजन की पंक्ति सुना रहा हूँ, आप सुने, आपके दर्शक सुने, और आप भी इसका आनंद लें। आप सब मिलकर मेरे साथ गाएंगे। काना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई, काना ब्रज में बाजे, काना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई, काना आया रे हो बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई, बाजे आज बधाई ब्रज में, ओ बाजे आज बधाई ब्रज में, नाचे लोग लुगाई, बाजे आज बधाई ब्रज में, ओ काना ओ काना ओ काना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई, काना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। सजी हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए चौबारे, सजी हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए, ओ नौबत बाज रही है सजनी, नौ बाज रही है सजनी, नंद बाबा के द्वारे खुशियां लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज बधाई, खुशियां लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज बधाई, काना आया रे आया ब्रज में, बोलो नंद के लाला की। तो आप देख रही हैं यहाँ पर कितना आनंद आ रहा है, कितने उत्सव में सब लोग झूम रहे हैं, पूरा आनंद आ रहा है। और ऐसे ही पूरे ब्रजवासी अपने कन्हैया के आने की खुशी मना रहे हैं और 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 12 बजेंगे, कन्हैया के प्यारे ऐसे ही नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, फिर माखन की मटकी भी फोड़ी जाएगी, ग्वाल वाल भी आएंगे और बधाई भी लौटाई जाएगी। तो ये ब्रज तैयार है अपने कन्हैया का स्वागत करने के लिए। चलिए, बहुत खूबसूरत दृश्य आपके माध्यम से हमारे दर्शकों ने भी देखा। देवकी नंदन ठाकुर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका मैं रुख एक बार फिर से करूंगी। आचार्य बी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, ये बताइए, चूंकि आज का दिन बेहद खास है, भगवान श्री कृष्ण को ना जाने सभी अपने प्रेम से, भक्तिभाव से, अलग अलग अनेकों नामों से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अब चूंकि मौका खास है, तो ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंजलि जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जन्मदिन है, जन्म तिथि है, तो आज के दिन जो भी अपनी कामनाएं हैं उसके हिसाब से भगवान से मंत्र जाप करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए। जो भी जीवन में कमी महसूस है,
वैसे तो जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहती है हर किसी के, चाहे कोई कितना ही ऊंचाई पर पहुंच जाए, परंतु फिर भी जैसे किसी के यहाँ पुत्र नहीं है तो उसके लिए आज इस मंत्र का जाप करना चाहिए, देव की सुत गोविंदो वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्णो त्वाम हम शरणम गतः। इस मंत्र का जो है जितना ज्यादा से ज्यादा जप करें, क्योंकि आज का दिन, आज की तिथि, आज जन्मोत्सव भगवान का है, ये बहुत मुहूर्त है, बहुत बड़ा है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में 5,500 वर्ष पहले जो है आए थे, उस समय सारे धरा पर लक्ष्मी से लेकर के अनेक देवी देवता आ गए थे, और आप देखिए जो नजदीक में देवी देवता होते हैं उस समय मंत्र साधना में ज्यादा सफलता मिलती है। तो आज के दिन व्रत भी करना चाहिए जो कर सकते हैं, शारीरिक स्थिति उनकी ठीक है, नहीं तो मंत्र जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चो देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों के अधीन मंत्र इसलिए हैं क्योंकि वो मंत्र जाप करते हैं, और यदि आज आप से लेकर के कोई भी मंत्र जाप करे तो वो भी ब्रह्म के नजदीक पहुंचने में प्रयासरत सफलता प्राप्त करता है। यदि जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है किसी लड़की का, तो उसके लिए कात्यायनी महामाये महायोग नदी सूरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमा, यदि जो है संस्कृत का मंत्र याद नहीं है तो उसके लिए कोई अन्न की कमी है तो रामायण के में सहारा लेकर के, या और अन्य मंत्र, या किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के, या किसी मंत्रज्ञ के पास जाकर के उससे कोई मंत्र लेकर के गुरु बना करके, इतने संत हमारे यहां पर हैं, इतने मंत्रज्ञ हैं, इतने जो है शास्त्र वेत्ता हैं, उनसे लाभ उठा करके दैविक शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, और उनके बाद में जैसे किसी को गरीबी बहुत ज्यादा सता रही है, उसको कामयाबी नहीं मिल रही है तो उसके लिए विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, कोई शत्रु ज्यादा सता रहे हैं तो उसके लिए जो है रामायण से सहारा लेकर जाके सुमरण तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, कोई पढ़ने में जो है देर कर रहा है, या किसी के लिए उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हाँ। या ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी पास नहीं हो रहा है, तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधा बता रहे हैं आचार्य जी। आप फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, चूंकि हमें रुकना होगा इसलिए आपको रोक रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खास मेहमानों का हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता भी बने हैं उनका भी हम रुख करेंगे, छोटा सा ब्रेक फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है, और देश भर में धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, अलग अलग खूबसूरत रंग खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं सामने। खास तौर पर बात अगर मथुरा वृंदावन की जाए तो वहां पर खास और भव्य तैयारियां की गई हैं, और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हैं वृंदावन से, देवकी नंदन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में, मेरे साथ आचार्य के बी शास्त्री हैं, और मथुरा से हमारे संवाददाता अवधेश बने हुए हैं, एक और खास मेहमान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं स्वरित निगम भजन गायक हैं, बहुत स्वागत है सर आपका जी मीडिया पर, आप अपने भजनों के लिए जाने जाते हैं, और जब बात भगवान श्री कृष्ण की होती है तो भगवान श्री कृष्ण के अनेकों ऐसे भजन हैं जो मनमोहित पूरी तरह से कर देते हैं, झूमने पर मजबूर कर देते हैं श्रद्धालुओं को भक्तों को, आज इस खास मौके पर आप कौन सा भजन हमारे दर्शकों के लिए सुनाएंगे? पहली बात तो मेरी तरफ से सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपके सामने एक संस्कृत में श्री कृष्ण जी का भजन लाना चाहता हूँ। वैसे कम ललाट पटल वक्षस्थर कौस्तुभम कस्तुरतिलकम ललाट पटल वक्षस्थर कौस्तुभम न सागरवर मोक्तिकम न सागरवर मोक्तिकम करथल सागरवर मोक्तिकम करथल वेणुकरे कंकणम कस्तुरतिलकम सर्वांगे हरिचंदनम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम
कंठे च मुक्तावर गोपष्टि परिवेष्टि विजय गोपाल चूड़ामर कस्तूर तिलकम ललाट पटले वक्षसर कौस्तुभम नासाग्र वरमोक्तिकम् नासाग्र वरमोक्तिकम् करचल वेणुकरे कंकणम् कस्तूरे तिलकम्। बेहद सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया हमारे दर्शकों के लिए स्वरित। आप बने रहिए, आपका रुख मैं करूंगी। अवधेश के पास चलते हैं हम। अवधेश, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, सभी व्यवस्थाएं तैयारियां देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच रहे हैं आज, और इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे दीपावली हो, होली का त्योहार हो, एक अलग ही तरीके से मनाने की कोशिश रहती है मुख्यमंत्री की ओर से। आज जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री का क्या रहेगा यहाँ पर कार्यक्रम? बिल्कुल, जन्माष्टमी पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। 3 बजे से उनका कार्यक्रम है, 3 से लगभग 6 बजे तक चलेगा, और जन्मभूमि के पास जो रामलीला ग्राउंड है वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और ब्रज की जो कला है, जो संस्कृति है, जो आध्यात्मिक जीवन है, वो सब कुछ उस मंच पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने अयोध्या की दीपावली को प्रमोट करते हुए देखा, बरसाने की लठमार होली को प्रमोट करते हुए देखा, उसी तरीके से एक और मंच दिया गया है कि ब्रज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए इंटरनेशनल लेवल पर, और वो ब्रज की तमाम जो कलाएं हैं वो आज उस मंच पर देखने को मिलेंगी। रही बात अगर मथुरा की बात करें, जन्मभूमि की बात करें, तो देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, दूर तक आपको केवल श्रद्धालु श्रद्धालु नजर आएंगे। कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बात कर रहे थे। महाराज जी, आप कहाँ से आए? अयोध्या से आए। अच्छा, राम जी से आप कृष्ण की नगरी में आए हैं? जी महाराज जी, दर्शन करने के लिए आए थे। ऐसे ही अब अवतार हमारे राम जी भी आने वाले हैं। अच्छा, राम जी बहुत जल्दी आने वाले हैं, एक महीने के अंदर अंदर राम जी आएंगे। तो क्या कृष्ण जन्म पर आप राम मंदिर की सौगात मांगने आए? हाँ जी, ये मानने आए, ऐसा अवतार राम जी था, ऐसे राम जी था हमारा। आप कहाँ से आए? मथुरा से। अच्छा, ये बताएं कि मथुरा में व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो क्या व्यवस्थाओं बदलती दिख रही हैं पिछले बार की और अब? व्यवस्था बढ़िया है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सफाई है, और सब कर्मचारी अपने अपनी जगह पे बढ़िया काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? बक्सर से। अच्छा, तो क्या खास है यहाँ पे कि आप लोग जन्मभूमि में जन्मोत्सव मनाने आए हैं? आज ही के दिन भगवान कृष्ण की जन्म हुआ था, और नक्षत्र भी रोहिणी था। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल ही मना चुके हैं। तो ये बताएं, आप कहाँ से आए हैं? छबड़ा, राजस्थान से। अच्छा, तो क्या यहाँ पर विशेष क्या है, क्यों आप लोग खेत चले आते हैं? आते हैं जब भगवान कृष्ण की जन्मभूमि हो, तो विशेष इससे ज्यादा क्या होगा हमारे, और जन्माष्टमी पे तो विशेष आते ही हैं सब लोग। ठीक है, देखिए विशेषताएं हैं इसीलिए लोग आते हैं। आप इधर आइए जरा, देखिए माखन मिश्री का जो भोग लगता है भगवान को, वो भी भक्त लेकर आ रहे हैं। ये माखन मिश्री भगवान को चढ़ा दी आपने या चढ़ाएंगे? चढ़ा दिए। कहाँ से आई है? गोरखपुर से। अच्छा, योगी जी के घर से यहाँ योगी जी भी आ रहे हैं? मंदिर के बगल से ही हम लोग आए। अच्छा, तो ये बताइए कि जब से आपके मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद क्या मथुरा में कुछ बदलाव दिख रहा है? पहले कभी आए हैं? मथुरा में पहली बार आए हैं। अच्छा, लेकिन गोरखपुर में बदलाव जरूर आया। व्यवस्थाओं से कुछ है? माखन मिश्री पूरा ब्रज, पूरा ब्रज में इतना चमन हुआ है हमारे, इतना महाराज सरदार में, इतना उस मुल्ले सरदार में नहीं हुआ था, अखिलेश सरदार में मौलाना है वो। ठीक है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, श्रद्धालु तो देखे आए हैं, लेकिन अजली एक हम सवाल मेरा देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी से रहेगा कि ठीक है, जो लोग ब्रज में आ पा रहे हैं भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए, कोई वृंदावन पहुंच रहा है, कोई मथुरा पहुंच रहा है, लेकिन महाराज जी जो लोग ब्रज में नहीं आ पा रहे हैं और वो घर बैठे अगर भगवान की पूजा करते हैं, तो क्या उस पुण्य की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाएगी जो ब्रज क्षेत्र में मिलती है? मुझे कुछ कहना है। हाँ जी, आप ही से सवाल है सर, ये मेरे सहयोगी सवाल पूछ रहे हैं कि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता पहुंचना वहाँ पर, तो जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, क्या उन्हें भी वही आशीर्वाद भगवान का प्राप्त हो पाएगा घर बैठे अगर वो पूजा करते हैं? अवधेश जी, हैप्पी जन्माष्टमी। जी जी महाराज जी, स्वागत है आपका ब्रज में।
और जी आपको एक बहुत हमारे यहाँ पर आपको पता है कि मानसिक पूजा का भी पूरा फल मिलता है। रामचरितमानस में लिखा है, मानस पुण्य होय नहीं पापा। अगर व्यक्ति मानसिक तौर पर ये सोच ले कि आज के दिन हम वृंदावन में हैं, मथुरा में हैं, ठाकुर जी के अपने घर में हैं और हम उनके उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चाहे उनका तन कहीं भी हो, अगर उनका मन वृंदावन में है तो उनको वही फल मिलेगा जो फल वृंदावन में रहकर उनको मिलना चाहिए। और ये स्पेशल जो लाभ है ये सिर्फ कलयुग के लोगों के लिए ही है, और युगों में ऐसा नहीं है। और युगों में मानसिक पुण्य नहीं लगता है, वहाँ पर कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन मानस पुण्य होए नहीं पापा। यहाँ पर मानसिक पुण्य तो लगते हैं, मानसिक पाप नहीं लगते हैं। इतनी बड़ी अहेतु की कृपा भगवान ने हमारे कलयुग के लोगों के ऊपर की है। पर एक बात और है, जो जाने में समर्थ हैं, जो जा सकते हैं, उसके बाद भी वो एक्सक्यूज बनाएं, एक्सक्यूज करें कि नहीं हम नहीं जा पा रहे हैं, हम तो मन से ही सोच लेंगे, तो मन से सोच लेंगे तो वो पुण्य भी मिल जाएगा, ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन जो वास्तविक आना चाहते हैं, जिनके मन में है, जिनके मन इतने परेशान है, द्रवित है, उनकी आंखों से अश्रु भी बहता है उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, उस कंडीशन में मानसिक तौर पर वो जहां भी बैठकर कथा सुनेंगे या उस उत्सव में सम्मिलित होंगे, जैसे यहां रात्रि को प्रिया कांजू के होगा, आप जहां बैठे हैं आप वहां से ये सोचें कि हम भी वृंदावन में ही बैठे हैं, हम भी मथुरा में ही बैठे हैं, और जो जो यहां चीजें हो रही हो, जैसे कई नियम मैंने बताए हैं, जो शास्त्रों में बताए हैं वो कई नियम हैं, अगर उन नियमों को, क्योंकि मैं अभी बता नहीं पाऊंगा उतना विस्तार से, एक YouTube चैनल पे भी हमने वो सारे कल ही डाले थे, लाखों की संख्या में उसको सुन चुके हैं, आपके दर्शकों से भी निवेदन है वहां जाके उसको समझ लें, और व्रत जरूर करें। आज के व्रत का बड़ा महत्व है, मानसिक तौर पर आप कहीं भी रहेंगे इसका लाभ आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, ये अभी से क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? तो ये सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं, ये कन्हैया के प्राकट्य महोत्सव की उस झांकियों का दर्शन करने के लिए, ब्रज की अनुभूति करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और अभी तो ये झांकी है, बिल्कुल आनंद तो अभी बाकी है। जब सब राधे राधे बोल रहे हैं तो एक सवाल और भी है कि जब आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है तो क्या बोलने का ज्यादा फल, राधे राधे बोले या कृष्णा कृष्णा बोले? देखिए हमारे ब्रज में तो ये कहते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अगर ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो राधा रानी की कृपा के बगैर वो ठाकुर जी इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाला नहीं है, बड़ा निष्ठुर है वो तो उसे पता है कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं, तो जब उसके चाहने वाले बहुत हैं तो वो केयर नहीं करेगा। लेकिन जब राधे रानी के नाम का आश्रय हम लोग लेंगे तो आप यकीन मानिए काना विद इन सेकंड आपके यहाँ पर दौड़े चले आएंगे। वैसे कोई अंतर नहीं है, राधाम कृष्ण स्वरूपाम भाई, कृष्णम राधा स्वरूपणम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, कोई अंतर नहीं है, परंतु राधा रानी का हृदय जो है अति कोमल है, अति दयावान है, अति सॉफ्ट है। तो राधा रानी को जब हम लोग, वैसे भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मिलो तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, दे दे ना दे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की गृहिणी से आपके लिंक हो और उनसे आप कहें कि हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो वो कहेंगे शाम को आएंगे इतने बजे, तुम आ जाना, चाय भी पीना और इनसे भी मिल लेना। वैसे ही कन्हैया से डायरेक्ट मिलने जाओगे तो वो अपॉइंटमेंट दे ना दे, पर राधा रानी के नाम का आश्रय जब लेंगे तो कन्हैया की मजाल नहीं कि वो अपॉइंटमेंट ना दे, वो दौड़े चले आएंगे, मिलेंगे भी और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। बहुत खूबसूरत अच्छी बात। अवधेश जी आपका नाम अवधेश है, आपका नाम अवधेश है, पर राधे राधे बोलिए तो वो अवधेश भी मिल जाएंगे और कन्हैया भी मिल जाएंगे। बिल्कुल वराज जी, और राधे राधे हम लोग बोल रहे हैं, पूरा दिन बोलेंगे और दर्शकों को तस्वीर दिखाते भी रहेंगे। बिल्कुल अवधेश आप बने रहिए। देवकी नंदन ठाकुर ने भी बहुत शानदार खूबसूरत बात यहाँ पर कही है कि आप अगर राधे राधे का जप करेंगे तो भी भगवान श्री कृष्ण आपके पास चले आएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे साथ आचार्य के बी शास्त्री भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि कृष्ण का अर्थ क्या होता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कृष्ण को,
उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन अर्थ क्या है कृष्ण का? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका अंजलि जी। कर्षति भक्तानाम चित्तम इति कृष्ण। भगवान कृष्ण का नाम जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करे उसको कृष्ण कहते हैं। वैसे कृष्ण का मतलब जो है होता है रंग से, कि कृष्ण माने काला, परंतु उसका व्याकरण से अर्थ है कि जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करे। दूसरी बात अभी आपने पूछी थी कि जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए मन से क्या होगा, तो कहते हैं कि ब्रजधूरी ही प्राणों से प्राय लगे, ब्रजमंडल माह बरसाए रहो। ब्रज रज का जो फल है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हमें जो है ऐसे पर्वों पर तीर्थ में जाने का प्रयास करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। उसका लाभ हमारे जीवन में बड़ा भारी होता है, हमारे कई अनिष्ट दूर होते हैं, हमारे ऊपर अनेक प्रकार के जो ऋण चढ़े हुए हैं वो भी उतरते हैं, अनेक प्रकार के जो कष्ट आने वाले हैं वो भी जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से वो कष्ट मिटते हैं। जो कष्ट मिटाए उसको कृष्ण भी कहते हैं। कृष्ण के तो हजारों नाम हैं और हजारों अर्थ हैं, परंतु इसके ज्यादा उसमें ना पड़ के चक्कर में भगवान का नाम आज जपना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। आप जो है करसे कर्म करौ विधि नाना, और मन राखौ जहे कृपा निधाना। आप भगवान आज के दिन जो है व्रत इत्यादि सारे कार्य करना चाहिए, परंतु शरीर की स्थिति, अब कोई दवाई खा रहा है उसके लिए व्रत उतना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसको स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रह करके भगवान का नाम ले, क्योंकि प्रहलाद चरित में कहा है सुखदेव जी ने कि नादानम न तपो निज्या ना योगम न व्रतानी चो प्रियते अमलया भक्ति हरिरण्यत विडम्बन। तो कहने का मतलब यह है कि जे जितने भी दान पुण्य व्रत पूजा पाठ हैं ये भगवान के पास पहुंचने की सीढ़ी हैं। आप शरीर की स्थिति देख करके उसको प्रयोग करिए और भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान में मन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है ना। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम को मन ही करे फजीत। तो इसलिए मन को रोकने के लिए आपके शरीर की स्थिति जो है साधना की जितनी मजबूती है, बिगर साधना के बिगर शिक्षा के बिगर सरस्वती कृपा से बिगर देव कृपा से कुछ होने वाला नहीं है, परंतु आप युक्ति से करें। जैसे बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है उसकी तरफ, उसके लिए उसकी रुझान की तरफ, उसकी रुचि की तरफ यदि आप पढ़ाई कराएंगे, उसका रुचि के हिसाब से उसको विषय दिलाएंगे तो जल्दी कामयाब होगा, और यदि आप उसके रुचि के विरुद्ध कोई कार्य कोई विषय दिला देंगे तो उसको कामयाबी मिलने में उसकी इस प्रकार की देर रहेगी। इसलिए आज का जो कलयुग है, कलयुग में केवल नाम गाने सदा रुचि। हाँ। नाम प्रकट चार पद धर्म के, कलिम हुए एक प्रधान, एन के निविधि दीने दान करे कल्याण, सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग, जो गति होए सो कलि हरि नाम से पावे लोग। दो ही काम है, एक भगवान का नाम गान करिए। हाँ। और यदि आपके पास कुछ है दक्षिणा से लेकर के, समय से लेकर के, शक्ति से लेकर के, कहीं ऐसा ना हो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो अपने समय का, शक्ति का, शिक्षा का और अपने संपत्ति का जितना हो सके कम से कम 10%, 24 घंटे में 10% का मतलब होता है 2 घंटे 40 मिनट। हर किसी के लिए, हर मनुष्य के लिए 2 घंटे 40 मिनट 24 घंटे में साधना करना चाहिए। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से स्वरित भी जुड़े हुए हैं लगातार। स्वरित, अगला कौन सा भजन गुनगुनाएंगे आप? अगला भजन एक कृष्ण जी का बहुत खूबसूरत है, कृपा सरोवर, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। कृष्ण 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 कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए,
कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृष्ण शरण गहिए श्री, कृष्ण शरण गहिए श्री, कृष्ण शरण गहिए श्री, कृष्ण शरण गहिए। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृष्ण शरण गहिए श्री, कृष्ण शरण गहिए श्री, कृष्ण शरण गहिए। लीला पुरुषोत्तम राधावर, लीला पुरुषोत्तम राधावर, राधा माधव भव बाधा हर, राधा माधव भव बाधा हर, शरणागत रहिए श्री, कृष्ण शरण गहिए श्री, कृष्ण शरण गहिए श्री, कृष्ण शरण गहिए। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृष्ण शरण गहिए श्री, कृष्ण शरण गहिए श्री, कृष्ण शरण गहिए श्री, कृष्ण शरण गहिए। Krishna kahiye, Krishna Krishna kahiye Shri, Krishna Sharan 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 kahiye। चलिए स्वरित, आपने बहुत सुंदर भजन पेश किया है, आप बने रहिए हमारे साथ। खास मेहमान हमारे साथ वृंदावन से देवकी नंदन ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। देवकी नंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से मनाते हैं सर जन्माष्टमी, रात 12 बजे को लेकर आपने क्या तैयारी की है, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे, जब पूजा करें तो किन चीजों को शामिल करें पूजा में? देखिए, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि भगवान की जो पूजा आपको करनी है, ठीक मध्यरात्रि के 12 बजे भगवान का प्राकट्य महोत्सव होगा, और फिर पंचामृत इत्यादि लेके, रोली चावल लेके, फल फूल मिष्ठान इत्यादि लेके भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान को भोग लगाएं, आरती करें, तुलसी दल रखें और ठाकुर जी से प्रार्थना करें और नाचे झूमे, आनंद ले, गाएं। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर एक बात कहना चाहूंगा, सभी भारतीय और सभी सनातनियों से एक मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप में और हम में एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते, हम गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। जिस दिन हम कृष्ण को मानने के साथ साथ कृष्ण की मानने लग जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारे सभी के घरों में कुबेर का खजाना छोटा पड़ जाएगा, हर माँ बाप खुश होंगे, हर बच्चे सफल होंगे और घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा जब हम कृष्ण की भी मानने लग जाएं, कृष्ण को मानने के साथ साथ। तो मैं आप सब भारतवासियों से एक निवेदन करूंगा, जितने भी इस संसार में हम लोग कृष्ण को सनातन को मानने वाले हैं, हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि अपने सनातन धर्म को कम से कम अपने बच्चों तक पढ़ा के जाएं, उन्हें समझा के जाएं और उन्हें बताएं कि कृष्ण सिर्फ माखन नहीं चुराते थे। कृष्ण महाभारत में युद्ध में गीता का ज्ञान भी देते हैं और कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन जैसा सुंदर उपदेश देते हैं कि कर्म करो, बिना कर्म किए तुम्हारा जो है कोई लाभ नहीं होने वाला है, कर्म तुम्ही को करना पड़ेगा। महाभारत जैसा युद्ध भगवान ने कर्म के बल अर्जुन को जितवाया, वैसे ही भारत की आजादी के बाद जो 4 युद्ध हुए हैं
उन चारों युद्धों में हमारे फौजियों ने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के गीता के शब्दों को याद में रखा कि कर्म करो, और कर्म करने के बाद उन्होंने तीनों चारों बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। और इस जन्माष्टमी से पहले भी हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को एक बार फिर से सबक सिखाया है। लेकिन मैं ब्रजवासी हूँ और आज कन्हैया का प्राकट्य हुआ है, आइए मैं आपको एक भजन सुनाने के साथ, क्योंकि मुझे जाना है और यह मंदिर भी खुलेगा, तो एक भजन मैं आपको सुनाता हूँ, आप इस भजन को आपके दर्शक सुने। और यहाँ पर जो दर्शक बैठे हुए हैं एक बार जोर से बोलेंगे, एक बार जोर से बोलेंगे, एक बार जोर से। जैसे किसी बालक का जन्म होता है तो हम उसे शुभकामना देते हैं, वैसे ही जब कन्हैया को जन्म ब्रज में भयो तो सब ब्रजवासी पहुंचे और ब्रजवासी पहुंच के कन्हैया को शुभकामना देवे लगे, आशीर्वाद देवे लगे। तो एक दोहा है, कैसोरी ब्रज हेली री लखियाज को भाव मोमन के जग झोरा भयो है, रात में छोरी भई सजनी और भोरे ही छोरी ते छोरा भयो है। तो जब छोरा भयो ये संदेश सुनो तो सब ब्रजवासी गए बधाई देवे के लिए। आप ये पंक्ति मेरे संग गाएंगे, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी, ओ मथुरा से आए नंदलाला, मथुरा से आए और गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, ओ मथुरा से पड़, जियो श्याम लाला, जियो श्याम, ओ पीली तेरी पगड़ी, ओ चर मर करे पलना, चर मर और ब्रजवासी बोले जियो ललना, ओ ब्रजवासी बोले ओ जियो, ओ जियो, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी। आपके सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो झांकी है कन्हैया के प्राकट्य महोत्सव की, पूरा आनंद तो अभी बाकी है और वो आएगा रात्रि को 12 बजे। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है ऐसे, और आपके जी न्यूज को भी मेरा निवेदन है, आप भी आइए और 12 बजे प्रिया कांत जू के मंदिर से पूरी दुनिया को दिखाइए कि कैसे हजारों हजारों लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, झूम रहे, गा रहे हैं और कन्हैया मटकी फोड़ रहे हैं। ये पूरा दृश्य पूरे दुनिया जी न्यूज के माध्यम से देखे, तो पूरी जी न्यूज को, पूरी मीडिया को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना है। जन्माष्टमी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जो खास मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े, स्वरित आपका शुक्रिया, और आचार्य बीके के भी शास्त्री जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अवधेश आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी तमाम देने के लिए। तो धूमधाम के साथ पर्व मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का। आज दिन भर जो खास तस्वीरें आएंगी वो भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही।